हाय गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हालांकि मैं बनाना नहीं चाहता था, बट मुझे लगा कि ये बना देना चाहिए जिससे कि भविष्य में हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ सिर्फ हम लोग सेलेक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनमें से कुछ को हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है, लेकिन कुछ नई चीज़ें यहाँ देखने को आपको मिल सकती है। क्योंकि सेलेक्टर अगर आपका सही नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सही नहीं है, तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते आप। मतलब आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट ही करना नहीं जानते हैं, तो उस केस में उसके साथ मैनिपुलेशन आप कैसे करेंगे? सो सेलेक्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। स्पेशली हमारा ध्यान है CSS सेलेक्टर के ऊपर यहाँ। सो पूरा HTML का कोड पहले समझ लीजिए, बिकॉज ये बड़ा सा है और इसी पर सारा आपको देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, सो बीच में ब्रेक लेकर आप इसको देख सकते हैं। डॉक HTML, HTML ओपन, हेड ओपन, हेड के अंदर टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी के अंदर एक H1 लिखा है जिसमें मैंने टाइटल लिखा है माय हेडिंग, और इसके अंदर टेक्स्ट है हेडिंग 1, H1 क्लोज। एक IMG टैग है यानी कि इमेज टैग, इसका मैंने सोर्स दिया है cat.jpg, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये बिल्ली। और इसका अल्ट मैंने लिखा हुआ है कैट इमेज, देन इसका विड्थ मैंने 30%, हाइट मैंने इसका 20% दिया हुआ है। इस तरीके से एक और इमेज है SRC, मैंने js.png लिखा है, जो कि यहीं कहीं होना चाहिए, ये वाला, ये इमेज है, ठीक है। इसका अल्ट मैंने लिखा है js इमेज, इसका भी विड्थ मैंने 30% और हाइट 20% रखा है। देन यहाँ एक div ओपन किया है मैंने, इसके अंदर एक ul है यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका ID मैंने myl लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये l है। देन इसके अंदर li है, li का मैंने क्लास दिया है पहले वाले का गेम, और इसके अंदर टेक्स्ट है आइटम 1, देन आइटम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सभी का एक एक मैंने क्लास दिया है। यहाँ आइटम 6 में गेम और सुपर दो क्लासेस हैं, यहाँ आइटम 7 में सुपर और गेम दो अलग अलग क्लासेस हैं, देन यहाँ लास्ट में सुपर एक क्लास है, और यहाँ सुपर हाइफन गेम एक क्लास है, गेम सुपर, गेम हाइफन सुपर, ओके। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको एग्जाम्पल सही तरीके से समझ में आए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा ul क्लोज, यहाँ हमारा div क्लोज, यहाँ हमारा p स्टार्ट होता है एक, इसका मैंने टाइटल लिखा हुआ है माय पैरा 1, देन क्लास मैंने दो क्लासेस हैं इसके, रेड और ब्लैक, देन टेक्स्ट है दिस इज़ पैराग्राफ 1, देन दूसरा p है, इसका टाइटल मैंने लिखा है माय पैरा 2, इसका क्लास है रेड, और इसका टेक्स्ट मैंने लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ 2। एक और p है जिसका टाइटल है माय पैरा 3, इसका क्लास है ब्लैक, और इसका मैंने टेक्स्ट लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ 3। एक और p है जिसका टाइटल है माय पैरा 4, इसका ID मैंने दिया है बुक, और इसमें टेक्स्ट है दिस इज़ पैराग्राफ 4। एक H3 है जिसका क्लास रेड है, और इसका टेक्स्ट है हेडिंग 3। इसी तरीके से एक H4 है जिसका ID मैंने बुक लिखा है, और इसका हेडिंग मैंने, इसका टेक्स्ट मैंने दिया है हेडिंग 3, इसको 3 नहीं, एक्चुअली मैं इसको 4 कर देना है। देन स्क्रिप्ट यहाँ से ओपन, यहाँ हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, स्क्रिप्ट बंद, बॉडी बंद और HTML बंद। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ID हमेशा यूनिक होता है, बट मैंने यहाँ भी बुक लिखा हुआ है और यहाँ भी बुक लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज हमें एक एग्जाम्पल इसके बेस पर देखना है। सेव करते हैं इस कोड को। सेव करने के बाद इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कैसा दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ आप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको जूम आउट कर लेते हैं बिकॉज ये हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो ये हेडिंग 1 है, जिसके बाद दो इमेज हैं, उसके बाद आइटम 1 से 8 तक है, उसके बाद पैराग्राफ, चार पैराग्राफ हैं, एक हेडिंग 3 है और एक हेडिंग 4 है। इतने से हमारा क्या होगा, इतने से हमारा सारा एग्जाम्पल हो जाएगा होपफुली। इसको नीचे कर देता हूँ मैं, और वन बाय वन करके हम लोग अपने CSS सिलेक्टर डोम को देखते हैं, यानी कि डोम में कैसे आप CSS सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में जानेंगे। अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो कोई नया HTML हम लोग इसमें ऐड करेंगे एग्जाम्पल देखने के लिए फर्दर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलिमेंट सिलेक्टर से। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में बातें करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मेरा एक काम करें, और वह काम क्या है कि आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, वहाँ पर आपको CSS का प्लेलिस्ट मिलेगा, और वहाँ पर आप जितने भी सिलेक्टर के बारे में मैंने बताया, CSS सिलेक्टर, वो सारे CSS सिलेक्टर को एक बार से आप रिवाइज़ कर लें, बिकॉज वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सो वहाँ अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बिकॉज सेम
डिट्टो एकदम यहाँ दिखने वाले हैं, बस यहाँ जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है और वहाँ सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। वहाँ का कोड अलग था, यहाँ का कोड अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर जिसको वहाँ कहते थे वही एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ भी कहते हैं। सो थोड़ा सा आप देखेंगे दो तीन तो आपको आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने वहाँ सीएसएस को अच्छे तरीके से किया है तो। सीएसएस मतलब सिर्फ सीएसएस सेलेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सीएसएस सेलेक्टर से मतलब ये है, एलिमेंट सेलेक्टर आपको देखना है, देन ग्रुप सेलेक्टर, देन यूनिवर्सल सेलेक्टर, आपको क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर और सूडो क्लासेस देखने हैं, और आई गेस इतना ही है। डिसेंडेंट होगा, चाइल्ड टाइप का कुछ होगा। अब देखिएगा वहाँ पर मिल जाएगा कम से कम 12 से 13 सेलेक्टर वहाँ पर है। ठीक है, सारी चीज़ें मुझे अभी तो दिमाग में आ नहीं रही हैं। सो एलिमेंट सेलेक्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एलिमेंट सेलेक्टर ये क्या करता है, ये इसमें आप टैग नेम स्पेसिफाई करते हैं, फिर एलिमेंट नेम स्पेसिफाई करते हैं। सो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से। पहले तो एक्सेस कर लेना है, मैं पी का एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ कि पी में कौन कौन सा पी है। मतलब एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पी का यानी कि टैग नेम का या फिर एलिमेंट नेम का यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें एक लिस्ट रिटर्न करेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का एक्चुअली में, और यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट यानी कि पी। आपको H1 चाहिए तो आप H1 लिखिए, आपको अगर LI चाहिए तो LI लिखिए, जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा यहाँ हम लोग डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करता है पी को और वो सारे पीज इकट्ठा करके पूरा कलेक्शन आपको इस लिस्ट में देता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिव के अंदर चाहिए तो यहाँ पर आप उसको एक्सेस करके लिख सकते हैं, उस एलिमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको सभी का एग्जांपल डॉक्यूमेंट में ही दिखाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो स्पेसिफिक यहाँ एलिमेंट भी लिख सकते हैं। बस आपको उस एलिमेंट को पहले एक्सेस करना पड़ेगा, उसको किसी वायर में इस तरीके से स्टोर करना है, देन उसको यहाँ लिखना है और उसमें क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, सो जितने भी पी मेरे डॉक्यूमेंट में है, इस डॉक्यूमेंट में जितना भी पी है सब यहाँ लिस्ट के पास आया है। सो चलिए कॉन्सोल लॉग करके देखते हैं कि क्या आया है। कॉन्सोल लॉग लिस्ट सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको पूरा जितना भी पी है हमारे डॉक्यूमेंट में, एक पी है यहाँ, एक पी है यहाँ, एक पी है यहाँ और एक पी है यहाँ, तो ये चारों पीस जो भी हैं, पीस एक अजीब सा वर्ड बन रहा है, नहीं पी बोलते हैं सिर्फ, एक दो तीन चार पी है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो ये चारों पी हमें यहाँ इंडेक्स में दिखाई देते हैं। अगर आप इस पहले वाले पी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जीरो इंडेक्स लिखकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप 1 लिखेंगे तो ये पी इंडेक्स एक्सेस होगा, और 2 लिखेंगे तो ये, और 3 लिखेंगे तो ये। सो इंडिविजुअली आप एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ जानना है तो लिस्ट डॉट लेंथ लिखिए, ये आपको लेंथ बता देगा कि कितने पी इसके पास हैं। रिफ्रेश करते हैं और आपको यहाँ 4 दिखाई देगा। अगर आपको एक एक करके एक्सेस करना है तो इंडेक्स नंबर या फिर आइटम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है इसका मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं जावास्क्रिप्ट में। रिफ्रेश करते हैं, पहला पी हमें एक्सेस होकर मिलता है। उस तरीके से जो भी इंडेक्स नंबर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आउटपुट देखने को कॉन्सोल लॉग में मिलेगा। ओके, सो ये तो था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। अभी हम लोग बात करते हैं ग्रुप सेलेक्टर की। ग्रुप सेलेक्टर को सेलेक्टर लिस्ट भी कहा जाता है। इसके लिए भी हम लोग वही लिखते हैं, वायर लिस्ट इक्वल, और डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट में इसको आप चाहें तो स्पेसिफिक एलिमेंट में भी कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल एंड बिटवीन पैरेंथेसिस यहाँ आपको लिखना है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टैग नेम्स या मल्टीपल एलिमेंट नेम, फॉर एग्जांपल जितने भी डिव हैं वह, साथ में जितने भी पी हैं वह, यानी कि दोनों ही मुझे इस लिस्ट में रिटर्न होकर मिलेगा। कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और लिस्ट में देखते हैं कि क्या मिला। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। वेब पेज कहाँ गया मेरा, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि सॉरी लगता है कुछ प्रॉब्लम है। ओके, हमने यहाँ इसको सिंगल कॉट से इनक्लोज नहीं किया, इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। सो सिंगल कॉट से इनक्लोज करना या फिर डबल कॉट से भी आप इनक्लोज कर सकते हैं। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको
रिफ्रेश करते हैं, देखिए नोड लिस्ट में यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक डिव दिखेगा, देन जो पी है वह दिखेंगे। अगर आप यहाँ एल आई भी इंक्लूड कर देते हैं, कॉमा देख, अगर मैं एल आई लिख दूँ तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट में छानबीन करेगा कि कितने डिव हैं, सबको ढूंढ के निकालो, जितने भी एल आई हैं सबको ढूंढ के निकालो और जितने भी पी हैं सबको ढूंढ के निकालो। ये पूरे इसका एक ग्रुप बनाएगा और इसमें सेट करेगा और वह आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब आप इसमें लेंथ प्रॉपर्टी लगाइए, पूरा लेंथ काउंट होकर मिल जाएगा। आप इंडेक्स नंबर लगाइए, एक एक करके इंडेक्स वाइज नंबर वाइज आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। सो ये है हमारा ग्रुप सेलेक्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, एक होता है यूनिवर्सल स्टाइल क्लास, तो वो क्लास सेलेक्टर के अंडर में आता है। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ठीक है। वेर लिखना है लिस्ट, ये भी लिस्ट रिटर्न करेगा, तो लिस्ट मैंने लिखा, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बस ऐसे लिस्ट लिखा हुआ, कोई भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखना है। यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है स्टार, ये जितने भी एलिमेंट हैं इस डॉक्यूमेंट में वो सारे के सारे रिटर्न करके आपको दिखाएगा। सो कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख देंगे लिस्ट। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो आपको जितना भी इसमें पूरे डॉक्यूमेंट में है, यानी कि 24 है टोटल मिलाकर, तो आपको HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, H1, इमेज, डिव, UL, इसको दे लाई, बहुत सारा स्क्रिप्ट टैग, सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ओके, ये है यूनिवर्सल सेलेक्टर। कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई रूल जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में आपको अप्लाई करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास सेलेक्टर। इसके लिए क्लास नेम होना ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने पहले से लिख के रखा हुआ है। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, क्लास सेलेक्टर में इसको स्टाइल क्लास भी कहा जाता है, क्लास सेलेक्टर को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और स्टाइल क्लास। इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला यूनिवर्सल स्टाइल क्लास, यूनिवर्सल स्टाइल क्लास। इसमें भी वही सेम है, तो इसके एक वायर बना लेते हैं कि लिस्ट इक्वल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में देखना है, आप चाहें तो स्पेसिफिक एलिमेंट में भी देख सकते हैं, पहले आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, देन क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पर एक क्लास का नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल मुझे गेम, यहाँ देखिए गेम लिखा हुआ है, क्लास का नाम गेम, तो मुझे जानना है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में गेम किस किस चीज़ का नाम है, या फिर मुझे वो लिस्ट चाहिए किसी भी वजह से, कुछ भी करना है मुझे जावास्क्रिप्ट। मान लीजिए हो सकता है कि मैं गेम वाले पूरे जितने भी डेटा हैं, जितने भी डेटा का, जितने भी एलिमेंट का क्लास नेम गेम है, सभी का लिस्ट जानना चाहता हूँ, जिससे कि मैं एक एक करके उसको मॉडिफाई कर सकूँ, या फिर कुछ भी करना चाहता हूँ। यहाँ सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको एक्सेस किया जा सकता है क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके। सो सिंगल कोट लिखा मैंने, देन उस क्लास का नाम लिख देना है आपको, मैंने गेम यहाँ लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और जिसका भी क्लास नेम गेम है वो सारा का सारा लिस्ट के पास चला आता है। तो कंसोल लॉग करते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिस्ट लिखते हैं। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ आपको देखिए एक एल आई है ये जिसमें गेम है, एक एल आई ये है जिसमें गेम है, इसमें दो चीज़ें लिखी गई हैं, गेम है एक क्लास, सेम क्लास नेम में दो वैल्यूज़ हैं, एक है गेम और दूसरा है सुपर, तो गेम है तो वह आ जाएगा। इस तरीके से सुपर और गेम है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक ये आया बिकॉज इसमें गेम था तो गेम हमें मिल गया, एक ये हमें लिस्ट में से मिल जाता है जीरो इंडेक्स पे, देन ये इसको सर्च करेगा, ये इसको नहीं दिखाएगा बिकॉज ये पूरा एक वर्ड है सुपर गेम, ये गेम नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये भी एक वर्ड है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा बिकॉज गेम यहाँ पहले क्लास का नाम है और दूसरे क्लास का नाम क्या है सुपर, तो एक क्लास नेम हमारा मैच कर जा रहा है तो ये हमें रिटर्न होके मिलता है। उस तरीके से सुपर एक अलग वर्ड है और गेम एक अलग वर्ड है, यानी कि सुपर एक क्लास नेम है और एक दूसरा क्लास नेम है गेम, तो हमें ये भी रिटर्न होकर मिल जाता है जब आप क्लास सेलेक्ट का यूज़ इस तरीके से करते हैं तब। और इसमें फर्दर वही आप सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको डॉट लेंथ लिखना है तो डॉट लेंथ लिख के देखिए, इतनी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ जो लिस्ट आता है वो सारा का सारा। उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को।
अब सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये रिटर्न आ जाता है। तब इसके बाद आपको क्या करना है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो ये तो हो गया यूनिवर्सल स्टाइल क्लास। अभी हम लोगों को देखना है नेक्स्ट क्लास सेलेक्टर का नेक्स्ट जो टाइप है वह है एलिमेंट स्पेसिफिक स्टाइल क्लास। इसमें आप एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट लिखा इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पे एक एलिमेंट के साथ क्लास नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अभी हम लोगों ने देखा था, अभी ये क्या बता रहा था, एल आई ये बता रहा था, ये सारी चीज़ें बता रहा था, मतलब जहाँ भी गेम था वह सारी चीज़ें बता रहा था। अभी मुझे क्या करना है कि अभी अगर यहाँ पर इसमें देखें आप, देखिए इसका क्लास नेम, इस पी का क्लास नेम रेड है और ब्लैक है, इस पी का क्लास नेम रेड है और इस पी का क्लास नेम है ब्लैक, और यहाँ आप देखेंगे इस एच थ्री का नाम भी क्लास नेम क्या है, रेड है। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ सिंपली अगर लिखता हूँ डॉट रेड, अगर ऐसा लिख दूँ और इसको कंसोल लॉग करूँ और लिस्ट, अभी ये हमारा क्या है यूनिवर्सल स्टाइल क्लास है, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ क्लास का नाम लिखा है, इसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। सेव किया मैंने और इसको अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट हैं जिसका क्लास नेम रेड है वो सब बताएगा। जैसे इस पी का है रेड तो इसने ये बता दिया, ये भी है और एच थ्री भी है तो ये बता दिया। अभी मुझे क्या करना है कि एलिमेंट स्पेसिफाई करना है कि सिर्फ पी को सर्च करो, यानी कि पी के अंदर में क्लास नेम रेड है तो दिखाओ, अदरवाइज बाकी एलिमेंट को सर्च मत करो। तो यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं एलिमेंट को, तो उसके लिए आपको यहाँ सिर्फ एलिमेंट को लिखना है। जैसे मुझे पी के अंदर चाहिए सर्च करना है तो मैंने यहाँ पी लिख दिया। मैंने लिखा कि पी एलिमेंट में जितने भी पी हैं सभी पी को देखो और उसमें जिसका भी क्लास नेम रेड होगा उसका लिस्ट मुझे दो, ये मैंने कहा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ दो लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला पी और एक ये वाला पी। अगर आप कोड में देखेंगे तो देखिए एक इस पी में रेड है तो ये मिल गया, एक इस पी में रेड है तो ये मिल गया। यहाँ भी रेड है क्लास नेम बट ये एच थ्री है, पी नहीं है, जिसकी वजह से इसको इग्नोर कर दिया गया। तो ये होता है एलिमेंट स्पेसिफिक स्टाइल क्लास। अब इसमें और ज़्यादा आप स्पेसिफिक हो सकते हैं, यानी कि मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक कैसे हो सकते हैं, यहाँ भी रेड है और यहाँ भी रेड है, इन दोनों पी में रेड है। मैं क्या चाहता हूँ कि वैसे पी को सिलेक्ट करो जिसका क्लास नेम रेड हो और ब्लैक हो, तो यहाँ दूसरे क्लास का नाम आपको लिख देना है। अब ये वैसे पी को सर्च करेगा जिसमें क्लास नेम ये रेड और ब्लैक दोनों ही होना चाहिए, अगर दोनों है तभी वह रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए सिर्फ एक ही रिटर्न कर रहा है, पी रेड ब्लैक। वाई, बिकॉज कोड में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये ही एक ऐसा पी है जिसके अंदर रेड और ब्लैक दोनों ही क्लास नेम है, इस पी के अंदर सिर्फ रेड है और इस पी के अंदर सिर्फ ब्लैक है, तो ये इन दोनों को नहीं लेगा, यानी कि दोनों ही ट्रू होंगे उसी को ये लेता है। सो यहाँ से हमारा ख़त्म होता है क्लास सेलेक्टर। अब हम बात करेंगे आईडी सेलेक्टर की, और आईडी सेलेक्टर के लिए वही हमें एक फिर से लिस्ट बनाना है, इक्वल साइन पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना है। बार बार मैं कहता हूँ कि आप एक एलिमेंट में भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे सिर्फ डिव के अंदर ही देखना है, मुझे सिर्फ डिव के अंदर देखना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले डिव को एक्सेस कर लूँगा, यानी कि इस पूरे एलिमेंट को रिटर्न करवा लूँगा किसी इस तरीके के वेरिएबल में, यानी कि आपको लिखना है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल, अगर किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है तो माय डिव इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये डिव को एक्सेस कर लीजिए, यानी कि जो भी इस डिव का आईडी होगा, अभी तो है नहीं, इस डिव का जो भी आईडी होगा वो आप यहाँ लिखिएगा, वो डिव चला आएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये माय डिव मान लीजिए इसका आईडी। उसके बाद आप यहाँ वेयर लिस्ट इक्वल यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेक्टर लिखने के बजाय आप लिखिएगा माय डिव, यानी कि यहाँ पर जो है वह लिखिएगा, देन डॉट देकर क्वेरी सेलेक्टर, और उसमें आप सेलेक्टर को अप्लाई कीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये सिर्फ इस पूरे डिव को देखेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं देखेगा। ओके,
सो वापस से आईडी सेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। वायर लिखा मैंने, देन लिस्ट इक्वल, और आईडी सेक्टर के लिए हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ आपको सिंगल कॉट के अंदर देना है हैज़, बिकॉज ये आईडी है इसीलिए, और आईडी का नाम इस केस में मैंने बुक दिया बिकॉज मैंने पहले से यहाँ लिख के रखा हुआ है। आप देखेंगे एक बुक यहाँ है और दूसरा बुक यहाँ है, तो जिस भी आईडी का नाम बुक है वो हमें रिटर्न मिलेगा इस लिस्ट में एज अ एचटीएमएल कलेक्शन। सो इसको कॉन्सोल लॉग करके देख लेते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आपको देखना है लिस्ट को, तो इसमें आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए दो चीज़ें मिल रही हैं, एक पी में बुक है और एक एच फोर में बुक है। अब आपको मोर स्पेसिफिक होना है, तो उसके लिए आपको आईडी सॉरी एलिमेंट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे एच फोर वाले, मतलब यहाँ भी बुक है और यहाँ भी बुक है, लेकिन मुझे सिर्फ पी में जो बुक है वही पी एक्सेस करके दो, यानी कि जिस पी में बुक आईडी है वह मुझे चाहिए। तो आपको इस तरीके से लिखना है एलिमेंट और आईडी, इस तरीके से लिखना है। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट दिखाई देगा जो कि होगा पी बुक। सो ये है मोर स्पेसिफिक इन आईडी सेलेक्टर। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर की, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है मेरे ख्याल से इसके डिस्कशन में, बिकॉज इसमें बहुत सारे टाइप हैं। सो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, संयम बनाए रखना, अगर आप थक चुके हैं वीडियो देखकर तो एक बार ब्रेक ले लीजिए, चाय पी कर आइए, उसके बाद देखिए यहाँ से, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ से आपको हो सकता है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और ईजी सा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। पहला हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप एलिमेंट नेम और एट्रीब्यूट का नाम लिखकर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेस करना है पी एलिमेंट और जिसका भी एट्रीब्यूट टाइटल हो उसको एक्सेस करना है, तो चलिए एक्सेस करते हैं। एक पी बना लेता हूं मैं यहाँ, एक और पी, बिकॉज सभी पी में टाइटल हैं जैसा कि आप देख पाएंगे, या फिर एक काम करते हैं कि अच्छा एक पी बना लेते हैं, ठीक। चलिए ये पी, इसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देते हैं, दिस इज पैराग्राफ पैराग्राफ 5। सेव कर लिया मैंने, और अभी अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको एक नया यहाँ पैरा देखने को मिलेगा, ये वाला 5 नंबर, ठीक। अभी हम लोगों ने कोई भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ नहीं किया, हम लोग अभी करने वाले हैं। वेयर लिखा मैंने लिस्ट इक्वल, पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना है तो डॉक्यूमेंट लिखा क्वेरी सेलेक्टर ऑल, सिंगल कॉट के अंदर या फिर डबल कॉट के अंदर भी आप लिख सकते हैं। क्या करना है, सभी पीज को सर्च करो जिसका एट्रीब्यूट टाइटल हो, और ये पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा कि पी एट्रीब्यूट सॉरी पी एलिमेंट के साथ किसका एट्रीब्यूट टाइटल है। तो यहाँ आपको एक मिल जाता है, एक यहाँ मिल जाता है, एक यहाँ मिल जाता है, और एक यहाँ मिल जाता है। ये भी पी है बट इसमें टाइटल एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं मिलेगा। सो लिस्ट को अगर कॉन्सोल लॉग करते हैं आप, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ लिस्ट देखते हैं, तो आपको सेव करने के बाद यहाँ ये पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि 4 मिल जाएगा। हालाँकि लिस्ट में आपको 3 ही दिखाई देगा बिकॉज वो 0 से स्टार्ट होता है। रिफ्रेश किया मैंने, देखिए 0, 1, 2, 3, और लेंथ कितना है 4। ओके, सो इस तरीके से आप टैग नेम के साथ या फिर एलिमेंट नेम के साथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कीजिए इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और आप इस तरीके से एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करके भी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको और स्पेसिफिक होना है इसमें तो आप क्या कीजिए कि एट्रीब्यूट के साथ एट्रीब्यूट का वैल्यू भी डिफाइन कीजिए। यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखा, देन इक्वल साइन, देन वैल्यू को डबल कॉट के अंदर लिखना है, और यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे माय पैरा 4 को एक्सेस करना है, फिर माय पैरा 1 को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा माय पैरा 1। अब पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, और पी यहाँ भी है। टाइटल तो सभी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी,
लेकिन मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि उसी पी को सिलेक्ट करना है जिसके जिसके पास टाइटल एट्रीब्यूट हो और टाइटल एट्रीब्यूट का वैल्यू माय पैरा वन हो। तो इस केस में सिर्फ एक ही यही है और कोई नहीं है, तो मुझे सिर्फ वही एक रिटर्न होकर मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए सिर्फ एक आपको यहाँ दिखाई देता है, ये वाला ज़ीरो पर जो है। ओके सो ये और ज़्यादा स्पेसिफाई आप करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको सिंगल बाहर वाले कॉट को आपने सिंगल लिखा है तो यहाँ अंदर में आपको डबल यूज़ करना पड़ेगा, और बाहर वाले को अगर आपने डबल यूज़ किया है तो अंदर वाले को सिंगल यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आप सिंगल कॉट नहीं लिख सकते हैं बिकॉज आपने सिंगल कॉट पहले ही इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप देखिए या तो आप ऐसे लिखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बोलने से अच्छा है कि करके दिखा दो, या तो आप इस तरीके से लिखिए या फिर आप इस तरीके से लिखिए। इसको डबल कॉट बना दीजिए और इसको सिंगल कॉट के अंदर में लिखिए। ये जो है आपका सिंगल कॉट के अंदर में लिखिए इस तरीके से, या तो इस तरीके से लिखिए या फिर आप इस तरीके से लिखिए, दोनों में से कोई भी एक लिखिए। लेकिन आप डबल कॉट के अंदर डबल कॉट और सिंगल कॉट के अंदर सिंगल कॉट ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा इसमें स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर में और क्या है। आपने सिर्फ एक एट्रीब्यूट वैल्यू का पेयर लिखा हुआ है, आप चाहें तो दो भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हम लोग इमेज का यूज़ करते हैं। हमारा जो यहाँ इमेज है, ये वाला जो टैग है इमेज, इसका यूज़ करते हैं। मुझे उन सभी इमेज का लिस्ट चाहिए जिसके विड्थ 30% और हाइट 20% है। तो उस केस में आप यहाँ इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, img लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विड्थ इक्वल 30%, देन दूसरा लिखना है हाइट इक्वल 20%। सो जिस भी इमेज का विड्थ 30% और हाइट 20% यानी कि दोनों ही ट्रू होगा वह इस लिस्ट में आपको मिलेगा। तो इस केस में हमारा ये इमेज और ये इमेज दोनों ही इमेज का विड्थ 30% और हाइट 20% है, तो दोनों ही मुझे मिलने वाला है। मैंने सेव किया, मैंने सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ दो इमेजेस यहाँ मिल जाते हैं। देखिए ये पहला इमेज और ये दूसरा इमेज। अगर इसमें से कोई सी एक का अगर कुछ एक भी गड़बड़ हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 10 कर दिया, सेव किया, यहाँ आप देखेंगे कि मैंने 30 और 20 लिखा हुआ, जबकि ये वाला जो इमेज है यानी कि जेएस वाला जो इमेज है उसका हाइट जो है 10% हो गया, यानी कि अब तो इससे मैच नहीं कर रहा। विड्थ तो 30% ठीक है लेकिन हाइट इसका 20% होना चाहिए था जबकि यहाँ 10%। तो इस केस में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले को इंक्लूड किया जाएगा और वही आपको लिस्ट में दिखाई देगा। सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं, सिर्फ एक ही आपको देखने को मिलेगा। ओके सो ये होता है आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और भी कुछ चीज़ें हैं इसको भी देख लीजिए। इसको वापस से मैं 20% कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ हटाता हूँ बिकॉज इतना ही हमें देखना है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं। और हम लोग अभी भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करो, मतलब ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसका एट्रीब्यूट क्लास हो। तो क्लास तो यहाँ सब में है, इसमें भी क्लास है, इसमें भी क्लास है, इसमें भी क्लास है, और यहाँ इतनी सारी क्लासेस हैं। सो ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसका एट्रीब्यूट नेम क्लास हो और जिसमें ये टिल्ड या फिर टिल्डे इसको बोलते हैं, उसका साइन मैंने दिया है, ये आपको टैब के ऊपर मिलेगा शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर, इक्वल गेम। इसका मतलब ये होता है कि एट्रीब्यूट नेम क्लास होना चाहिए और क्लास नेम का वैल्यू या फिर क्लास नेम, यहाँ जो क्लास एट्रीब्यूट कहते हैं इसको, देखिए देखिए सुनिए ठीक से, ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसके क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू गेम हो। ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसके क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू गेम हो, कहीं भी गेम हो, बस गेम होना चाहिए। सो इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ लिस्ट देख पाएंगे पूरा का पूरा। रिफ्रेश किया मैंने इसको, देखिए एलआई में गेम था, एक और एलआई है इसमें भी गेम है,
इसमें गेम और सुपर दोनों है बट गेम तो है तो वो रिटर्न मिलता है। उसी तरीके से सुपर गेम इसमें भी गेम है तो ये रिटर्न मिलता है। अगर आप ऊपर करेंगे देखिए ये मिलता है रिटर्न, इसमें भी गेम है बट ये एक पूरा वर्ड है अलग सा तो ये आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक पूरा वर्ड है, ये भी एक पूरा वर्ड है, ये भी एक पूरा वर्ड है, इसमें दो क्लास नेम है वैल्यूज, एक गेम है एक सुपर है, तो गेम एक मिल जा रहा है तो ये आपको रिटर्न मिलता है। इस तरीके से यहाँ गेम मिल जाता है तो ये भी आपको एक रिटर्न मिलता है। सो हम लोग इसमें ये कहते हैं कि सिलेक्ट, इसमें हम लोग कहते हैं कि सिलेक्ट एलिमेंट यूजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड वर्ड, यानी कि ये स्पेसिफाइड वर्ड अगर उस एलिमेंट में है, उस एलिमेंट के इस एट्रीब्यूट में है, ये स्पेसिफाइड वर्ड अगर उस एलिमेंट के इस एट्रीब्यूट में है तो वह इसमें इंक्लूड करना है। बस इतना सा हम लोग कहते हैं इसमें स्टेटमेंट। ओके सो ये टिल्ड साइन है, ये टिल्डे कहते हैं और इक्वल यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है पाइप साइन देना है। और पाइप साइन मिलता है कहाँ, इंटर के जस्ट ऊपर में शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर। और ये पाइप साइन क्या कहता है कि ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसका स्टार्ट जो जिसका देखिए ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसके क्लास एट्रीब्यूट में वैल्यू का स्टार्टिंग वर्ड गेम होना चाहिए, स्टार्टिंग वर्ड गेम होना चाहिए, यानी कि क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू या फिर क्लास नेम जिसे हम लोग बोलते हैं वह गेम से स्टार्ट होता है तो वैसे एलिमेंट को ये रिटर्न करेगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ आप देखेंगे आपको एक गेम, तो ये तो पूरा है ही और ये यहाँ भी एक गेम मिला, ये एक पूरा वर्ड है बट स्टार्ट हो रहा है गेम से तो ये आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ पर एक बार एक नज़र डालते हैं, एक ये रिटर्न मिलता है बिकॉज ये पूरा गेम एक वर्ड है, स्टार्ट भी हो रहा है इसी वर्ड से, इसमें भी गेम है बट ये स्टार्ट नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हो रहा है किससे, सुपर से, तो ये नहीं मिलता है। ये आपका रिटर्न मिलता है बिकॉज यहाँ गेम है ठीक है और ये स्टार्ट भी हो रहा है। ओके यहाँ पर आप कहेंगे कि ये भी तो गेम है और ये स्टार्ट हो रहा है, देखिए इसमें एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि मुझे अभी मेरे मुझको मेरा पेन पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और पेन को कनेक्ट करते हैं। सो इसमें भयंकर कन्फ्यूज़न होता है कि स्टार्टिंग वर्ड मैंने कहा और यहाँ तो स्टार्ट हो रहा है इस वर्ड से, फिर इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। तो इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि या तो ये एक कंप्लीट वर्ड होना चाहिए जैसे कि गेम है इस केस में यहाँ पर ये, तो ये मिलेगा, या फिर हाइफन के साथ में होना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है गेम सुपर एक साथ तो ये नहीं मान्य होगा हमारे इस सिलेक्टर के लिए। उसी तरीके से अगर ये यहाँ होता है ये वाला तो ये भी मान्य नहीं होगा, यहाँ भी स्टार्ट गेम है हो रहा है, ये भी एक सिंगल वर्ड है बट इसके साथ और भी वर्ड्स हैं इसीलिए ये भी मान्य नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं बिकॉज ये लास्ट में ही है और ये इसमें तो गेम है ही नहीं। सो सिंपली आपको एक आउटपुट मिलता है यहाँ से जो कि पूरा का पूरा गेम है, एक आउटपुट मिलता है यहाँ से जिसमें आपको गेम हाइफन देखने को मिलता है। सिंपल से ध्यान इसमें ये रखना है कि पाइप साइन वाले में पाइप और इक्वल जब आप लिखते हैं और कोई वैल्यू लिखते हैं तो ये वैल्यू या तो हूबहू मैच कर जाना चाहिए या फिर कोई दो वर्ड है तो वो हाइफन के साथ हो तभी चलेगा, यानी कि गेम और हाइफन के साथ यहाँ कुछ होना चाहिए तो आपको सही चीज़ें मिलेगी, यानी कि वह आपको आउटपुट में यानी कि सेम लिस्ट में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर में। सुपर कन्फ्यूज़न टॉपिक है ये, मतलब ये वाला सेलेक्टर पाइप वाला। वापस से नीचे आते हैं और कुछ और सेलेक्टर के बारे में बातें करते हैं। सिंपली यहाँ पर चेंज करके आपको करना है ये वाला साइन, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पावर या फिर कुछ ऐसा बोलते होंगे। ओके सो ये आपको मिलेगा 6 नंबर में शिफ्ट के साथ जब आप प्रेस करेंगे तब। इसका मतलब क्या होता है कि सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू begins with a specified value, और स्पेसिफाइड वैल्यू यहाँ क्या है, ये है गेम। सो ये आपको लिस्ट देगा उन सभी एलिमेंट का जो कि स्टार्ट होते हैं इस वर्ड से यानी कि गेम वर्ड से ठीक है, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वह एक कंप्लीट मतलब एक होल वर्ड हो। अगर गेम है तो ये तो गेम में आएगा ही, अगर गेम हाइफन सुपर है तो ये भी इंक्लूड होगा,
गेम सुपर है तो ये भी इंक्लूड होगा, और गेम स्पेस सुपर है तो ये भी इंक्लूड होगा। चलिए देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं सबसे पहले तो, और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ गेम मिल रहा है, देन गेम हाइफन सुपर, देन गेम सुपर और गेम स्पेस सुपर। गेम बस स्टार्टिंग में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वह एक पूरा वर्ड हो, मतलब जो वैल्यू आप लिखते हैं ये पूरा वर्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये गेम आपको मिलता है स्क्रीन पर, सुपर गेम नहीं मिलेगा बिकॉज गेम से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये सुपर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं मिलता है। गेम हाइफन सुपर ये गेम से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपको मिल जाएगा। हालांकि ये पूरा वर्ड नहीं है, मतलब कंप्लीट वर्ड में गेम नहीं है, इसमें दो वर्ड्स हैं, बट ये स्टार्ट हो रहा है गेम से तो ये आपको मिलेगा। उस तरीके से ये भी गेम से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी मिलेगा। ये नहीं मिलेगा बिकॉज ये गेम से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये गेम से स्टार्ट हो रहा है तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा। तो ये दो चार आपको यहाँ मिलते हैं बिकॉज ये गेम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ गेम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ गेम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ गेम से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी गेम से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपको यहाँ बस डॉलर साइन लिखना है, और इसका मतलब ये होता है कि सिलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। और इसमें भी नेसेसरी नहीं है कि वह वर्ड एक होल वर्ड होना चाहिए, बस एंडिंग में है तो वह इंक्लूड किया जाएगा। सो गेम जहाँ जहाँ भी एंडिंग में होगा वह सारे आपको इस लिस्ट में मिलेंगे। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। सो इसमें क्या है, एक गेम जो एक होल वर्ड है वो तो मिलेगा ही, सुपर गेम भी है, सुपर हाइफन गेम और सुपर गेम मिलेगा। यहाँ देखते हैं इस लिस्ट में, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये आपको मिलेगा बिकॉज गेम यही शुरू है और यही अंत है, मतलब यही एंडिंग है और यही स्टार्टिंग है गेम, तो ये तो आएगा ही। इसमें एंड में देखिए गेम लिखा हुआ है तो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा बिकॉज ये स्टार्टिंग में है, ये भी नहीं आएगा बिकॉज स्टार्टिंग में है। इसमें एंड में गेम है तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, यानी कि एक दो चार, चार आपके आने वाले हैं। ओके, सो ये होता है डॉलर साइन जब आप लिखते हैं तब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ लिखना है स्टार, जिसे एस्ट्रिस्क भी कहते हैं, जो 8 नंबर में आपको मिलता है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिर्फ जी ए। इससे क्या होता है कि सिलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि जहाँ भी जी ए मिलेगा वो सारा का सारा आपको रिटर्न मिल जाएगा। सेव करते हैं इसको, और इसमें मुझे तो लगता है कि सब कुछ रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि सब में गेम गेम है। ओके, सो रिफ्रेश किया मैंने, देखिए ये गेम, ये गेम, ये गेम, ये सब सब कुछ मिल रहा है। चलिए एक बार लिस्ट में देख लेते हैं कि कौन नहीं मिल रहा है। सो इसमें जी है, जी ए है तो ये मिल रहा है, इसमें भी जी ए है तो ये भी मिल रहा है, इसमें भी जी ए है तो ये भी मिल रहा है, इसमें भी जी ए है तो ये भी मिल रहा है, इसमें भी जी ए है तो ये भी मिल रहा है, इसमें भी जी ए है तो ये भी मिल रहा है, इसमें भी जी ए है तो ये भी मिल रहा है, इसमें जी ए नहीं है कहीं भी तो ये नहीं मिल रहा है हमें। सो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। चलिए एक बार देख लेता हूँ मैं कि वहाँ 7 है या फिर उससे ज़्यादा है, अगर उससे ज़्यादा है तो हमने कुछ मिस किया है। नहीं, 7 ही है यहाँ, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। ये सिर्फ सर्च करता है कि कहाँ जी, अब शुरू में है, अंत में है, बीच में है, कहीं भी, बस जी ए मिला तो इसने उसको लिस्ट में शामिल कर लिया। अगर आप स्टार लिखते हैं तो ये होता। ओके, सो बस गाइज ये है आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर, और हमारा यहाँ एट्रीब्यूट सेलेक्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे सूडो क्लास की। होपफुली सूडो का स्पेलिंग मैंने सही लिखा, गलत लिखा है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे फर्स्ट चाइल्ड, वेयर लिखा मैंने, देन लिस्ट इक्वल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, देन क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कौन सा फर्स्ट चाइल्ड, एलआई का फर्स्ट चाइल्ड, एलआई का नहीं मतलब एलआई में फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। ओके, हम लोगों ने इसको सिंगल कॉट के अंदर में नहीं लिखा इसलिए एरर दे रहा है, सिंगल कॉट के अंदर में लिखते हैं और हाइफन लिखा और कंसोल लॉक करते हैं इसको लिस्ट। तो ये क्या करेगा, ये एलआई में जाएगा, कहाँ एलआई है, एलआई यहाँ, तो ये क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है यही वाला, तो यही आपको रिटर्न करके दे देगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें, देखिए आपको यहाँ एक मिलता है ये एलआई, यहाँ देखिएगा आइटम 1 आपको हाईलाइट होकर दिखेगा।
देखिए मिल रहा है। तो यहाँ आपने स्पेसिफाई कर दिया कि एलआई में फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, वधिका। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं यहाँ कोई भी टैग या फिर कोई भी एलिमेंट, तो ये क्या करता है, सभी के फर्स्ट चाइल्ड को दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर, देखिए यहाँ सिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो HTML फर्स्ट चाइल्ड है, फिर हेड है, फिर टाइटल है, फिर H1 है, फिर UL है, फिर LI है। इसको ठीक से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ये भी फर्स्ट चाइल्ड है किसी का, उस तरीके से इस HTML का हेड जो है ये HTML का फर्स्ट चाइल्ड है, उसी तरीके से हेड का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, टाइटल है, तो ये भी आपको दिखाएगा। और उसी तरीके से बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, H1 है, तो ये भी दिखाएगा। और इस div का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, ये UL है, तो ये भी दिखाएगा आपको। यहाँ इमेज और ये इमेज नहीं दिखाई देंगे बिकॉज ये फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड सिर्फ ये है, तो यही आपको दिखाएगा। ओके, इस div का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, UL है, तो ये सिर्फ UL दिखाई देगा। उसी तरीके से इस UL का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, LI है, तो ये LI दिखाएगा। बस इतना ही है। अगर स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे तो नीचे आपको कोई भी फर्स्ट चाइल्ड नहीं दिखेगा। ये P जो है ये फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड तो अगर सब कुछ सामने से दिखेगा एक बार में दिखेगा तब तो ये पूरा एक बार में नहीं दिखा। देखिए बॉडी का ये जो है सिबलिंग्स है, ये सिबलिंग है, ये सिबलिंग है, ये और आपका ये सिबलिंग है। फर्स्ट चाइल्ड अब आपको कहीं नहीं मिलेगा, फर्स्ट चाइल्ड यही था ये वाला जो कि हम लोगों को मिल चुका है। देन इस डिव का फर्स्ट चाइल्ड ये था। तो अगर आप कोई भी टैग नेम या फिर एलिमेंट नेम स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट में जो फर्स्ट चाइल्ड है जो भी उन सभी को दिखाता है। यही है आपका सूडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड। इसी तरीके से होता है सूडो एक क्लास में एक और लास्ट चाइल्ड जो कि लास्ट चाइल्ड को बताता है, उसको भी देखते हैं। यहाँ बस फर्स्ट की जगह आपको लास्ट करना है और यहाँ आपको टैग नेम देना है या फिर एलिमेंट नेम देना है। मान लीजिए कि LI ही देते हैं, सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे लास्ट में जो है वो आपको दिखाई देता है। अगर इसमें भी अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं ये LI, तो ये क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट में जो जो भी लास्ट चाइल्ड में इसको मिलेगा वो सारा ये रिटर्न करके दे देगा। जैसे फर्स्ट चाइल्ड दे रहा था वैसे ही लास्ट चाइल्ड सबका देगा। HTML लास्ट चाइल्ड है, टाइटल, बॉडी, UL, सुपर और स्क्रिप्ट। क्लियर है। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है, फिर से फर्स्ट चाइल्ड में मैं आ रहा हूँ, फर्स्ट चाइल्ड और LI, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आपको फर्स्ट चाइल्ड मिल जाता है LI में जो ये। अगर एक और लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें LI है, एक और लिस्ट में बनाता हूँ क्विकली। सो यहाँ मैंने एक और UL बनाया, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, इसमें भी LI है जैसे कि आप देख पाएंगे। जब आप यहाँ फर्स्ट चाइल्ड लिखते हैं LI फर्स्ट चाइल्ड, तो ये सभी UL के अंदर या फिर OL के अंदर, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट हो या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, उसके अंदर LI लिखा जाता है, तो उन सभी के अंदर LI का जो फर्स्ट होगा वह रिटर्न करके देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने LI फर्स्ट चाइल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस LI में जो फर्स्ट होगा ये है, तो ये रिटर्न करेगा। साथ में यहाँ भी एक LI है जो कि फर्स्ट है अपने आप में, तो ये भी रिटर्न करेगा। इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ अब दो दिखाई देंगे। पहले एक दिखाई दे रहा था बिकॉज एक ही लिस्ट था, अब यहाँ दो लिस्ट है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में, तो ये आपको दो दिखाई दे रहा है। सो ये इस बात का भी ध्यान रखना है हमेशा, इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो लिस्ट है अलग अलग, अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, और आप फर्स्ट चाइल्ड कर दें तो दोनों का ही फर्स्ट जो चाइल्ड होगा वह आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। अब इसमें आप इंडेक्स नंबर लगा लीजिए और आप अपना स्पेसिफिक निकाल लीजिए, या फिर आप कोई और तरीका अपना सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक निकालना है तो, यानी कि इसको और स्पेसिफिक बनाइए कि सिर्फ माई लिस्ट ID में जो फर्स्ट चाइल्ड हो उसको निकालना है, ऐसा करके कुछ भी आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आप स्पेसिफाई इसको कर सकते हैं, मोर स्पेसिफिक जा सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा डेमो था कि अगर दो लिस्ट हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं मतलब, देखिए ठीक कैसे कर सकते हैं, आप इसको एक्सेस कीजिए, इस UL को एक्सेस कीजिए इस ID के थ्रू, उसके बाद आप यहाँ लिखिए उसको स्पेसिफाई करके, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग देखेंगे एंथ चाइल्ड। एंथ चाइल्ड एलआई का एंथ चाइल्ड अगर मुझे निकालना है तो यहाँ हम लोग एंथ चाइल्ड लिखते हैं और बिटवीन पैरेंथेसिस आपको यहाँ वैल्यू लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने वन लिखा तो मुझे एलआई का वन जो है वह दिखाई देगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ आपको दो दो मिलेंगे बिकॉज दो लिस्ट है हमारा। तो ये वन और इसका ये वन, ये ज़ीरो ये वन, ये इस लिस्ट का ज़ीरो वन दिखा रहा है, ठीक है। ये नोड लिस्ट जो है इसका ज़ीरो वन है, लेकिन यहाँ पर ये वन है, ये वन है, इस पूरे लिस्ट का वन ये है और इस पूरे लिस्ट का वन ये है। सो एंथ चाइल्ड वन में वो दोनों ही आपको दिखाई देते हैं। ये लिस्ट मैं अभी हटा देता हूँ। आपको समझ में आ गया कि दो लिस्ट हुआ तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ आप जो भी चाहें लिख सकते हैं, अगर आप थर्ड चाहिए तो थ्री लिखिए, आपको थर्ड वाला यहाँ रिट्रीव करके एक्सेस करके देगा। ये देखिए थर्ड वाला दे रहा है, देखिए थर्ड वाला दे रहा है, ओके। इतना ही नहीं, आप इवन ऑड भी कर सकते हैं, आप यहाँ इवन लिख सकते हैं, इवन सेव कीजिए इसको, जितने भी इवेंट्स में होंगे, जैसे कि सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो एक तो ये है इवन में, देन एक को छोड़कर दूसरे वाले को, फिर एक को छोड़कर दूसरे वाले को, मतलब इवन आप लोगों को पता है दो चार छः आठ इस तरीके से जो होता है वह आपको यहाँ देता है। उसी तरीके से आप यहाँ ओड भी लिख सकते हैं, इवन लिखा तो ओड भी लिखा जा सकता है, ओ डबल डी ओड लिख दिया, सेव किया, सेव करने के बाद इसमें रिफ्रेश करें तो सिर्फ जो ओल्ड होंगे वो आपको यानी कि वन थ्री फाइव सेवन। उसी तरीके से आप यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे कि टू एन माइनस वन या फिर टू एन प्लस वन, इस तरीके से फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। सुडो क्लासेस के बारे में आपको सीएसएस में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ आप ज़रूर से देखिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के ट्यूटोरियल में। अब एंथ लास्ट चाइल्ड एक होता है, एंथ लास्ट चाइल्ड ये लास्ट से काउंट करता है। जैसे ये क्या हो रहा था, ये भी फर्स्ट से काउंट कर रहा था यानी कि ऊपर से काउंट कर रहा था, अब ये नीचे से काउंट करेगा। अगर आप यहाँ वन देंगे तो ये इस वाले को वन मानेगा यानी कि लास्ट में। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो देखिए नीचे वाले को ये सुपर वाले को वन मानेगा। तो इस तरीके से भी इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी आप इवन दे सकते हैं, ओड दे सकते हैं या फिर कोई फार्मूला दे सकते हैं। होपफुली आप वो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। ओके, सो सूडो क्लास गाइज, एक और लास्ट हमारा बचा हुआ इसमें कॉन्सेप्ट, उसको भी देख लेते हैं। एक होता है एम्प्टी सूडो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कॉलन लिखिए और एम्प्टी लिख दीजिए, सेव कीजिए। और इसमें क्या होता है कि जितने भी टैग हैं, सिंगल टैग हैं, मतलब इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, जैसे कि इमेज है, इमेज का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, लिंक, लिंक का कोई चाइल्ड नहीं होता, लिंक टैग इमेज टैग इसके कोई चाइल्ड नहीं होते हैं। तो जिस टैग का कोई चाइल्ड नहीं होता, जो इसका चाइल्ड एम्प्टी है, मतलब कोई है ही नहीं, वह सारे उसका लिस्ट आपको इस एलिमेंट के थ्रू, इस सूडो क्लास के थ्रू आपको मिल जाता है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ दो इमेजेस के एलिमेंट मिलेंगे बिकॉज इसका इन दोनों का कोई चाइल्ड नहीं है। अगर कोई ए होता यहाँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक ए बनाता हूँ, लीजिए ये ए बन गया, इसको सेव कर दें तो ये ए भी अब हमें रिटर्न मिलेगा बिकॉज इस ए का भी कोई चाइल्ड नहीं है। होपफुली सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ ए भी मिल रहा है, ठीक, इस ए को हटा देता हूँ। किसी स्पेसिफिक टैग के अंदर आपको जानना है कि उसके अंदर है या नहीं, तो आप यहाँ टैग नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइज, ये था हमारा CSS सेलेक्टर डोम, या फिर डोम CSS सेलेक्टर, कुछ भी नाम दे दीजिए, ये ऑफिशियली नहीं है कोई भी नाम, ठीक है, ये बस मेरा उत्पन्न किया हुआ नाम है। यहाँ आपको देखने को मिला कि किस किस तरीके से आप एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर चीज़ में एक लिस्ट मिला है हमें, लेकिन आप उसमें इंडेक्स नंबर लगाकर उसके एक स्पेसिफिक टैग को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट होती है जावास्क्रिप्ट की, यानी कि आप सबसे पहले उस एलिमेंट,
उस एलिमेंट को एक्सेस कीजिए, उसके बाद ही उसमें आप मैनिपुलेशन कर पाएंगे। सो एक्सेस करना हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देखी, सारी चीज़ें याद रखिए, इतने से काम आपका हो जाएगा, लेकिन इससे और भी ज़्यादा हैं। सूडो क्लास में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतनी सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग सब लोग सब जानते होंगे, क्योंकि वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वह सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। अगर भविष्य में कभी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट में या फिर किसी चीज़ में, तो वहाँ हम लोग इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ये वाला पूरा वीडियो, तो वहाँ आपको समझने में ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज, याद रखिएगा कि किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, और जावास्क्रिप्ट जम के प्रैक्टिस करते रहिए। अगर जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।